बॉलीवुड में खान का कितना क्रेज है ये बताने की तो जरूरत नहीं है। वहीं जहां देखो आज भी खान का क्रेज फैंस में वैसे ही बना हुआ है। अब चाहे सलमान की टाइगर 3 की बात हो या शाहरुख की जवान की, लेकिन अब इस बीच बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान कैसे पीछे रहने वाले थे। हालांकि अगर बात करें आमिर की पिछली फिल्मों के बारे में तो लाल सिंह चड्ढा से आमिर को जो उम्मीद थी फिल्म उस पर खरी नहीं उतरी, और वहीं फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी फिल्म दंगल से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर ने बॉलीवुड से एक लंबा गैप ले लिया, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि आमिर बहुत जल्द कमबैक के मूड में है। आपको बता दें फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने आमिर खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि आमिर बहुत जल्द अपनी एक फिल्म से वापसी करने जा रहे हैं और ये फिल्म उनके ही प्रोडक्शन हाउस की होने वाली है। फिलहाल फिल्म का नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। तरण आदर्श ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और अगले साल 20 जनवरी को फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। वैसे बात करें दिसंबर महीने की तो ये महीना आमिर के लिए काफी ज्यादा खास रहा है। जो भी उनकी फिल्म इस महीने रिलीज हुई है वो ब्लॉकबस्टर गई है। अब चाहे वो 3 इडियट्स हो, धूम 3 हो, तारे जमीन पर हो या दंगल हो, दिसंबर महीना आमिर के लिए हमेशा लकी साबित हुआ है। अब देखना होगा आमिर का लक अगले साल दिसंबर में भी चलता है या नहीं। आपको आमिर की अपकमिंग फिल्म का कितना इंतजार है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए ENT Live।